आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बिजनेस एक बड़ा ब्रांड कैसे बन जाता है? या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक कॉफ़ी बेचने वाला स्टॉल स्टारबक कैसे बन जाता है? या सिर्फ एक बर्गर बेचने वाली कंपनी मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग कैसे बन जाती है? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि एक छोटा बिजनेस एक बड़ा ब्रांड कैसे बन जाता है। आज की वीडियो को हम दो डायमेंशन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट डायमेंशन है पीपल डायमेंशन और सेकंड डायमेंशन है फाइनेंशियल डायमेंशन। एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। फर्स्ट डायमेंशन, फर्स्ट साइड वैल्यू प्रोपोजिशन। आप अपने कस्टमर को क्या वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर को क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, और जो प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर को दे रहे हो उसे यूज़ करके कस्टमर कैसा फील कर रहा है, कस्टमर कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या कस्टमर आपका प्रोडक्ट बार बार यूज़ करना चाहता है, और कस्टमर आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आपका नाम याद रखता है या नहीं, आपका प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद कस्टमर आपको भूल तो नहीं जाता। जैसे बर्गर किंग का बर्गर आज हर कोई खाना चाहता है और बर्गर का स्वाद आज हर कोई लेना चाहता है। कस्टमर बर्गर किंग का बर्गर खाकर अच्छा एक्सपीरियंस करता है और बर्गर किंग का बर्गर बार बार खाना चाहता है। और अब सेकेंड साइड, ब्रांड पोजिशनिंग, मतलब आपने अपने ब्रांड को किस तरह प्रेजेंट किया है, मतलब कस्टमर आपके ब्रांड के बारे में क्या सोचता है। जैसे ओयो रूम्स आज साफ सुथरे और अफोर्डेबल प्राइस पर रूम्स रेंट पर देता है, और वहीं अमूल को आज अमूल का कस्टमर उनके शुद्ध दूध की वजह से जानता है, जबकि अमूल बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है। और वहीं डीमार्ट के बारे में तो दुनिया जानती है कि डीमार्ट से सस्ता प्रोडक्ट तो कोई बेच ही नहीं सकता, और वहीं KFC को दुनिया उनके क्रिस्पी चिकन की वजह से जानती है। और अब आपका बिजनेस, आप बताइए आपके ब्रांड के बारे में आपका कस्टमर क्या सोचता है। और अब थर्ड साइड, 10x बेटर, मतलब मार्केट में जो आपके कॉम्पिटिटर हैं आप उनसे 10 गुना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कैसे दे सकते हैं। जैसे स्टारबक, आप खुद सोचिए कॉफ़ी बेचने वाला बिजनेस कैसे स्टारबक बन जाता है। स्टारबक सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिटी की वजह से इतना बड़ा ब्रांड बन गया है, वरना मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कॉफ़ी बेचती हैं। स्टारबक दूसरी कॉफ़ी बेचने वाली कंपनियों के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी बेचती है। और वहीं गूगल दुनिया का पहला सर्च इंजन नहीं है पर दुनिया का सबसे अच्छा सर्च इंजन है। गूगल दूसरे सर्च इंजन से 10 गुना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाता है और 10 गुना ज़्यादा अच्छी सर्विसेज देता है। और आप देख भी सकते हैं 2020 में गूगल का मार्केट शेयर 92.26% है। गूगल अपनी अच्छी सर्विसेज के कारण आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। और अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड डायमेंशन के बारे में जानते हैं। सेकंड डायमेंशन की फर्स्ट साइड, टारगेट ऑडियंस। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करनी पड़ेगी, मतलब आप अपना प्रोडक्ट किसे बेचना चाहते हैं। आपको अपने कस्टमर के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा, जैसे आपका कस्टमर किस एज का है, वो 18 से 30 की एज का है या नहीं, आपके कस्टमर को क्या पसंद है क्या नापसंद है। जैसे नाइकी ने अपने कस्टमर के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। नाइकी स्पोर्ट्स शूज़ बेचती है, नाइकी को पता है कि स्पोर्ट्स शूज़ कौन खरीदता है। स्पोर्ट्स शूज़ ज़्यादातर रनिंग करने वाले लोग खरीदते हैं और नाइकी को पता है कि उनके कस्टमर को कौन से स्पोर्ट्स शूज़ पसंद हैं। नाइकी को पता है कि उसके कस्टमर ज़्यादातर उनके शूज़ रनिंग के लिए खरीदते हैं, इसीलिए नाइकी अपने एड्स भी रनिंग के रिलेटेड ही बनाता है, जिससे नाइकी की एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बचती है। अगर आपको अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में पता है तो आप अपनी काफ़ी तरह की कॉस्ट बचा सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और अब आगे सेकेंड साइड, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसे आप अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे, आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट कैसे ले पाएगा। इसे हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के एग्जांपल से समझते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत मजबूत है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट आप आज इंडिया में किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी दुकानों में मिलेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर के इतने मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होने के कारण कोई भी दूसरा ब्रांड हिंदुस्तान यूनिलीवर से टक्कर नहीं ले सकता। यहाँ तक कि पतंजलि ने सभी FMCG कंपनियों को धूल चटा दी है, लेकिन पतंजलि हिंदुस्तान यूनिलीवर के इतने मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होने के कारण पतंजलि हिंदुस्तान यूनिलीवर को टक्कर नहीं दे पा रही है। और अब आगे बढ़ते हैं थर्ड साइड, फाइनेंशियल सस्टेनेबल, मतलब जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस में आप प्रॉफिट कमा पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि प्रॉफिट के बिना बड़े से बड़ा ब्रांड सर्वाइव नहीं कर पाता। क्योंकि आपने सुना ही होगा, कैश इज किंग। अगर कैश होगा तो बिजनेस दिन पर दिन ग्रो करता रहेगा, और अगर कैश नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो बड़े से बड़ा ब्रांड धूल में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।